पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। आना जाना, टूट फूट, नोक झोंक, आर पार, यलगार और ललकार जारी है। बीजेपी को भी इंतजार है कोलकाता के प्रिंस के आने का। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पश्चिम बंगाल चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम 6 बजे बंगाल में। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान, 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। पहले दो चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना संभव। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। अमित शाह की चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अलग अलग पार्टियां सियासी पिच पर अलग अलग दांव खेलने में लगी हैं। मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से रैली की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद सिर्फ बंगाल में पीएम मोदी की 20 अलग अलग जगहों पर रैली होगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल में 50-50 रैलियों का प्लान है। ब्रिगेड मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली में सौरव गांगुली के भी शामिल होने की अटकलें तेज हैं। बंगाल में चुनाव से जुड़ी आज एक और बड़ी खबर आई। खबर है कि ममता बनर्जी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। 11 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके अधिकारी हुआ करते थे, उनके खिलाफ नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। बंगाल लेफ्ट कांग्रेस में सीटों पर बात भी फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर, 165 सीटों पर लेफ्ट, 92 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। आईएसएफ के बंटवारे में मिली 37 सीटें, सूत्रों के हवाले से जानकारी। 8 मार्च को आ सकती है दो चरणों की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसएफ के खाते में 37 सीटें। गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी को 37 सीटें, आईएसएफ जो उन्होंने अपना दल 2 महीने पहले बनाया उनको 37 सीटें। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस में सीटों पर बात बनी, 165 सीटों पर लेफ्ट तो 92 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, आईएसएफ को बंटवारे में मिली 37 सीटें और बंगाल लेफ्ट कांग्रेस में सीटों पर बात हुई फाइनल। 8 मार्च को आ सकती है दो चरणों की लिस्ट। जी अब लगातार अब बंगाल में यह सिलसिला जारी रहेगा। पार्टियों की लिस्ट, सूची में किसका नाम है, किसका नहीं, किसके साथ कैसे बनी बात, कितनी सीटों पर बनी बात। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने देश के सवाल की ओर। देश के सवाल में हमारे साथ चर्चा और बहस करने के लिए आपके अपने टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चेहरे जो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले कि मैं सबका तारुफ कराऊं, सबसे पहले मैं मित्र प्रकाश, आप वाम नेता हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी हाँ, आईएसएफ को केवल 37 सीटें दे रहे हैं आप? जितनी जिसकी योग्यता है सर वो अपने अनुसार ले गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस की योग्यता केवल 100 के नीचे, 92 सीटों पर कांग्रेस? देखिए, जहां गठबंधन में ये होता है सर, जहां जो भारी होता है, जहां जिसकी मजबूती ज्यादा होती है उसको उतनी सीटें दी जाती हैं। तो इसमें कोई विचार करने का, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ वहां पे जीतेंगे भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मित्र प्रकाश, आपके पास मैं आऊंगा। आज देश का सवाल में हमारे साथ
टीएमसी की तरफ से टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सुपर्णो बनर्जी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिशिर बिजोरिया हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने लगभग 3 दशक से ज्यादा बंगाल से रिपोर्टिंग की है, जी हाँ पत्रकारिता का अनुभव है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण शंकर चौबे साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और वाम नेता मित्र प्रकाश भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं शिशिर जी आपके पास आऊंगा, मुलाकातों के दौर क्या कहते हैं? जी हाँ, कोलकाता के प्रिंस सौरव गांगुली की पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात, और अब अटकलों का बाजार तेज कि 7 मार्च को हो सकता है कि कोलकाता के प्रिंस बीजेपी का झंडा थाम लेंगे। शिशिर बिजोरिया जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरा सवाल समझ आया? हाँ बिल्कुल समझ आया जी, आपका जवाब। देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो मौसम चल रहा है यहाँ पर, चुनावी मौसम, राजनीतिक मौसम, इसमें एक एक करके लोग कमल का झंडा थाम रहे हैं, भाजपा का हाथ थाम रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीति से बाहर के हो। अभी पिछले हफ्ते हम देखे बहुत सारे जिसको हम बोलते हैं सेलिब्रिटी फिल्म स्टार्स आके हमारे मंच से पार्टी का झंडा पकड़ा। अब इसमें देखिए बड़े नाम और भी आएंगे, मैं कोई एक विशेष नाम पे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये आने के लिए बहुत लंबा एक ताता है, और जो अच्छे लोग, खासकर जो सामाजिक लोग हैं, जो विभिन्न जगत के लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि बंगाल के ये पुनर्गठन का पुनः वापस से जो सोनार बांग्ला, जो बंगाल प्राय 5 दशकों में खत्म सा हो गया है, बहुत इतना पिछड़ गया है कि उसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, उसका वापस से हम सोनार बांग्ला, हमारा लक्ष्य है कि सोनार बांग्ला हम वापस से बनाएंगे। उसके लिए जो भी आके हमारा हाथ थामे, जो हम तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो हर तरफ से लोग आए। जी शिशिर जी आपके पास आऊंगा, मेरे पास और भी सवाल हैं। हमारे साथ सुपर्णो बनर्जी साहब हैं, जी हाँ टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बनर्जी साहब आज केंद्र के एक मंत्री, मैंने उनका बयान कहीं पढ़ा है, नितिन गडकरी उनका नाम है, आज बंगाल में वो रैली करने गए थे, मैंने सुना है उन्होंने कहा कि बीजेपी में वही लोग आ रहे हैं जो टीएमसी में सताए, डराए, बेचैन, हैरान, परेशान, वही बीजेपी का रुख कर रहे हैं। साहब नमस्कार, मेरा नाम सुपर्णो मोइत्रा है, तो थोड़ा बैनर्जी नहीं हूँ मैं सुपर्णो मोइत्रा हूँ, तो ये थोड़ा चेंज पहले कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी जी सुपर्णो जी, सुपर्णो मोइत्र नमस्कार जी। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस अनुष्ठान में, उसको मैं आपके जरिए नमन करता हूँ, और जितने भी तमाम लोग इसको देख रहे हैं आपके जरिए उनको भी मैं नमन करता हूँ। पहला चीज तो देखिए, अभी हमने 10 साल यहाँ पे एक सरकार हमने चलाया, और हमने किस आधार पे यहाँ पे सरकार चलाया, हमने जिस आधार पे सरकार चलाया वो है कल्याण अभिविन्यास के ऊपर सरकार चलाया, विकास अभिविन्यास का सरकार था, विशिष्ट था, और वाम 34 साल का जो वाम शासन था उसके बाद अवसंरचना का जो बुरा हाल हुआ था उससे हम निकलने की कोशिश किए थे और कल्याणकारी योजनाएं लाए, जैसे कि समाज में जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उसको हम कैसे आगे लेके आ सकते हैं, और हमारे जो प्रतिपक्ष है, क्योंकि कभी कभी लोग गलती कर जाते हैं और प्रतिपक्ष को भी दुश्मन मानते हैं, हम तृणमूल कांग्रेस से किसी को अपना राजनीतिक दुश्मन नहीं मानते, सारे प्रतिपक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बस इतना ही कहना है कि 6.5 साल में जो परिवर्तन उन्होंने कर दिया इस देश में, जिसके लिए था पूरा देश इस बात से वाकिफ है, क्योंकि जो भाईचारा का माहौल था बिल्कुल धार्मिक ध्रुवीकरण में उन्होंने वो बदल दिया, आशा का माहौल था निराशा में उन्होंने बदल दिया, संप्रीति का जो माहौल था वो घृणा में और कट्टरता में उन्होंने वो बदल दिया,
एक चलती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने एकदम पंगु बना दिया और लोकतंत्र को उन्होंने सत्तावादी बना दिया और ये उनका चरित्र रहा है। और बाकी जब बाकी उनके पास और कुछ है नहीं, उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं। खुद का बंगाल में नेता उनके पास है नहीं, बाहर से लोग लाके उनको नेतृत्व करना पड़ते हैं और हमारे दल से लोग लेके जाके करना पड़ता है साहब। तो कितना राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी दिवालिया है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। साहब मेरा नाम भी करेक्ट कर लीजिएगा, मोइत्रा होगा, टिकर में बैनर्जी दिखा रहा है। जी हाँ, पीसीआर सुपर्णो साहब का जो सरनेम है वो बदला जाए, सुपर्णो मोइत्रा है, बनर्जी नहीं, ये ठीक किया जाए। मैंने कह दिया सुपर्णो जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो बात ये कि मैं थोड़ा एक इतना गंभीर माहौल में भी एक मजेदार बात करना चाहता हूँ कि लोगों का बार बार परिचय बदल जाता, कभी वो यहाँ से वहां चले जाते हैं। मैंने खाली बोला कि बैनर्जी गलती से लिखा हुआ मोइत्रा, ये बस छोटा सा ये कहना चाहता हूँ। और हम लोग समझते हैं कि बंगाल के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमने कैसे करके सरकार चलाया और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उनको अगर लगता है, और खामियां सब सरकार से होती है, हमसे भी होती है, लेकिन हमारा चिंतन में कोई गलती नहीं है और जिस दिशा में हम जिसको लेके जाना चाहते हैं जो गरीब लोग जी, सुपर्णो जी, सुपर्णो जी, सुपर्णो जी, मैं आऊंगा क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बीजेपी में दिवालियापन है, वहां खाली है, वहां कोई नहीं है, लेकिन दिवाली वहां कैसे हो रही है? आप ही के छिटके हुए लोग, आप ही की पार्टी से परेशान हैरान लोग उस खेमे में जाकर वहां दिवाली मनाएंगे, ऐसा संकेत कल योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। जी हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मित्र प्रकाश हैं। मित्र प्रकाश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके मित्र के क्या हाल है? कांग्रेस अभी तक दिखाई नहीं दे रही, केवल सीटों के बंटवारे को लेकर तो बात हो गई, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस के नेता कहाँ है जमीन पर? जी सब लोग आ जाएंगे सर, समय पड़ने पे आ जाएंगे। हमारे कल मेरी आवाज दोबारा आ रही है, इस बात का जरा ख्याल रखें। मैं निकाल दे रहा हूँ इसको और मैं बता दे रहा हूँ कि कल योगी आदित्यनाथ जी गए हैं वहां पे और क्या बता रहे थे कि हमारे वहां कितनी अच्छी, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी आवाज दो बार आ रही है। हेलो मित्र प्रकाश, के कानों में आवाज गूंज रही है। मित्र प्रकाश जी, आपकी बोली भी बंगाल में गूंजेगी, चिंता ना करें, आप अपनी बात रखें। नहीं नहीं मेरी आवाज दोबारा आ रही थी, अब ठीक, इस वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। मैं बता दे रहा हूँ, कल योगी आदित्यनाथ जी वहां पे गए थे और क्या कह रहे थे वो कि हमारे वहां की व्यवस्था ऐसी है, यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। कल यूपी के हाथरस में क्या हुआ, गोरखपुर में कल उन्हीं के शहर में 35 लाख की लूट हो गई। हमारा मेन मुद्दा जल जंगल जमीन का है, हम रोजगार की बातें करेंगे कि रोजगार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए बंगाल में, हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवा इससे प्रेरित होंगे, हम बात करेंगे किसानों के हक के लिए, हम बात करेंगे बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पे, हम बात करेंगे बढ़े हुए रसोई गैस के दामों पे। आपके पैनल पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वो एक बार भी इन विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे, वो बात करेंगे सिर्फ जातीय हिंसा पे, वो बात करेंगे सिर्फ धार्मिक हिंसा पे, वो ये सोचेंगे कि धर्म के नाम पे उन्माद कैसे फैलाया जा सकता है बंगाल में। अब मैं आपसे फिर एक बार जिम्मेदारी के साथ कह दे रहा हूं कि आने वाले तारीख में जब चुनाव के फैसले आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि अगर इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और संघ बंगाल की राजनीति में कोई दंगा कराने में सफल नहीं हुआ तो 50 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की शामिल सीटें नहीं हो पाएंगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसी चैनल पे कह रहा हूँ। मित्र प्रकाश, अभी तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तक कह दिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव है उन राज्यों में जाकर वो वहां पर प्रचार करेंगे किस पार्टी के खिलाफ, ये सारी बातें जब प्रचार शुरू होगा वो सामने आएगा। लेकिन जहां तक बात की जाए, हिंसा की बात आप कर रहे हैं, बंगाल में किस तरह की हिंसा लगातार जारी है, किस तरह की हिंसा को लेकर बीजेपी आक्रामक है, आप इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हिंसा को लेकर जिस तरह से रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल को लेकर, उस पर भी तो कुछ कह दीजिए। देखिए
इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। वो जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब से वो आए हैं बंगाल का माहौल खराब कर दिए हैं और बंगाल में उन्हीं की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा पे अपना रोक लगा दें, वो जल जंगल जमीन रोजगार और पेट्रोल के दामों पर बात करने लगे तो निश्चित रूप से वो भी अच्छा करेंगे और एक चुनाव का हेल्दी डिस्कशन का माहौल बनेगा, एक बढ़िया माहौल बनेगा जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ा जा सकता है। जी हाँ मित्र प्रकाश, आपके मित्र भी इस पैनल में जुड़ चुके हैं। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश जायसवाल जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जोड़िए आ रही है। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल है, गठबंधन हो गया? हाँ, जी हाँ, जिसको लेकर जिस तरह से आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच किरकिरी चल रही थी, आखिरकार गठबंधन हो गया। ISF को 37 सीटें, आपको 92 सीटें, 3 में न 13 में अभी आपके नेता वहां पर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे, कैसे लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, हमारे नेता जो हैं जमीन पे इस बूथ स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ में पश्चिम बंगाल में, और ये पूरे बंगाल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे मीडिया लोग जो हैं कि कांग्रेस के आंदोलन को, कांग्रेस के प्रोग्राम को उसमें उसको शामिल नहीं करते हैं, कुछ ऐसे मीडिया हैं जो उसको शामिल नहीं करते हैं। कांग्रेस रास्ते पर है, कांग्रेस टीएमसी और बीजेपी के जो कारतूते जो है आज 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 केंद्र में, केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार ने जयसवाल साहब बचा रखा है पेट्रोल डीजल गैस। जयसवाल साहब मेरा सवाल है जयसवाल साहब आपसे, अगर आपके पास इस वक्त आपके व्हाट्सएप में आपकी पार्टी के किए हुए कामों और चुनाव को लेकर कोई प्रचार का वीडियो है तो चलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप वो वीडियो अभी दिखाइए कि किस तरह से आपका प्रचार और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया दिखाता नहीं है देश का सवाल में, आप वो वीडियो दिखाइए अगर आपके व्हाट्सएप में कोई वीडियो है तो। मेरा हर जिला में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में जुलूस हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, गैस सिलेंडर पेट्रोल को लेकर के आंदोलन हो रहा है, आज भी आंदोलन यूथ कांग्रेस किया है कलकत्ता में। आप देखिए तो, आप टीवी पर देखिए, आपके पास अगर वीडियो है जयसवाल साहब तो आप दिखा दीजिए, आपके पास अगर वीडियो है जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपको खुला आह्वान दे रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर आपके पास वीडियो है तो वो अभी दिखा दीजिए, सारा देश इस समय जो देश का सवाल देख रहा है वो देख लेगा कि आपका आंदोलन किस तरह से चल रहा है। मेरा वीडियो है और जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वही उसी मोबाइल से मैं बात कर रहा हूं। जयसवाल साहब मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ कृपा शंकर चौबे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और चौबे साहब ने बंगाल की सियासत को काफी करीब से देखा है। चौबे साहब, इस समय अटकलें तेज हैं कि बीजेपी में धरती पुत्र को लेकर जो बात हो रही है कि आखिर कौन होगा चेहरा, तो कोलकाता के प्रिंस पर डोरे डालने को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में ये मुलाकातें गृहमंत्री अमित शाह के साथ, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ, इन मुलाकातों को आप कैसा देखते हैं? क्या कोलकाता के प्रिंस सौरव गांगुली बीजेपी के होंगे? ये हो सकते हैं, और पहले भी सौरव गांगुली ने इस तरह के संकेत दिए हैं। सौरव गांगुली को BCCI का अध्यक्ष बनाने में भी केंद्रीय गृहमंत्री जी की भूमिका रही है, और सौरव गांगुली का झुकाव उस दल की तरफ कई संकेतों में हमने देखा है, निकट अतीत में और सुदूर अतीत में भी, तो वे तो जा सकते हैं। लेकिन वे अगर नहीं भी जाते, देखिए ये अगर यह प्रचार किया जाता है कि बंगाल में नेतृत्व का संकट है भाजपा में, तो यह गलत है। अरे भाई, वहां विष्णुकांत शास्त्री थे और जुगल किशोर जैथलिया थे, वहां तपन सिकदर थे, तो ऐसा नहीं है कि नेतृत्व का संकट है। हाँ, यह भी है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों के आने के कारण ही ममता को बहुत कमजोर नहीं मानना चाहिए, ममता बहुत लड़ भिड़ करके उस पर कई बार हमले हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में जरूर ममता कमजोर स्थिति में है, और सिर्फ अपने भतीजे के कारण, शारदा घोटाले के कारण, नारदा वाले मामले के कारण। तो ये है कि उनकी इतनी अच्छी छवि थी
वो छवि अगर 10 वर्षों में खराब हुई, उन्होंने निश्चित रूप से अनेक विकास के काम किए हैं, और लेकिन यह भी है कि अगर आज जिस ध्रुवीकरण का सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो ये ध्रुवीकरण कोई अचानक एक दिन में नहीं पैदा हो गया। बंगाल में हिंदू महासभा की बहुत पुरानी आरएसएस की स्थापना के तो 96 साल हुए, उसके पहले हिंदू महासभा थी। राजा राममोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, एक लंबी सूची है। तो मेरा यह कहना है, आपने कृपा शंकर जी, आपने बोलते बोलते एक बड़ी अहम बात कही। जी हाँ, बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी भूमिका रही। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब सौरव गांगुली के लिए कीमत चुकाने का वक्त आया है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले? कीमत चुकाने का नहीं, देखिए अब सौरव को खेलना है नहीं, और वे एक सेलिब्रिटी हैं और पूरे बंगाल में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, जिस तरह से किसी बौद्धिक व्यक्ति की होती है, जिस तरह से वहां शंकर घोष, जय गोस्वामी जैसे कवियों का समादर है, उसी तरह से सौरव गांगुली का भी। वे एक सिर्फ खेल के व्यक्ति तो नहीं है, वे एक सांस्कृतिक व्यक्ति भी है, और उनके आने से निश्चित रूप से भाजपा को बहुत लाभ होगा। लेकिन भाजपा अभी सबसे मजबूत स्थिति में वहां दिख रही है, इसलिए कि देखिए, और उसमें ठीक है मुकुल राय की भी भूमिका होगी, लेकिन यह है कि भाजपा को जिन्होंने रोपा, सिंचा, पुष्पित, पल्लवित किया, तो उनकी भी साधना रही है। चौबे साहब, कुछ और सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शिशिर बिजोरिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, सौरव गांगुली के आने से बंगाल चुनाव दीदी बनाम दादा हो जाएगा या मोदी बनाम ममता ये बना रहेगा? देखिए ऐसा है कि बिजोरिया जी, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रहा है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी, इसमें कोई दो बात नहीं। जहां तक हमारे और मित्र लोग बोल रहे थे, मैं दो तीन बिंदु बोल दूं। जहां तक तृणमूल का है, ये 10 साल का अपना बोले, मैं केवल एक लाइन में बोल देता हूं। वाम फ्रंट सरकार 34 साल के बाद लगभग 2 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गया, और 10 साल में इन्होंने उस 2 लाख करोड़ के ऋण को 5 लाख करोड़ बना दिया, राज्य को देवलिया बना दिया। और जहां तक ये बोलते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में इतना इनका दृढ़ विश्वास है कि हमारे 130 कार्यकर्ता को मार के पेड़ से लटका दिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पेड़ से लटका दिए। पुलिस किसी एक में कोई तदंत नहीं किया और सबको बोल दिया गया ये आत्महत्या था। यहां तक हमारे एक विधायक को वो उसका शरीर मिला, उसके अपने बाएं हाथ से पेड़ से लटका हुआ, बोले ये भी आत्महत्या है। इनका ये लोकतंत्र में विश्वास है। और जो हमारे कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के यहाँ मित्र बैठे हैं, अब के पिछले रविवार को तो साफ दिख गया ब्रिगेड में, ये एक ऐसा वहां पर चले, एक तरफ एक पार्टी है जो नास्तिक विश्वास, उनका विश्वास ईश्वर में नहीं है, कैसे अपने आप को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, को तो ये नहीं पता है। दूसरा है एक धर्म निरपेक्षता के वो यहाँ पर मुखिया बन के बैठे हैं, और तीसरे पार्टी को ले लिए जो पूरा पूरा धर्म के आधार पे और मंच पे ही झगड़ा हो गया। क्या कांग्रेस के नेता और आईएसएफ के नेता के बीच में मंच में अनबन नहीं हो गया? क्या एक दूसरे के आप सपोर्ट में कुछ एक शब्द भी बोले? तो देखिए ये सब आप कुछ भी बना लो, मगर आने वाला चुनाव बंगाल का जो आवाम है, बंगाल की जनता, आपका ने अपना कौन है? कर लिया है, और दूल्हा कौन है? हमारे बिजोरिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि बंगाल में आने वाला बंगाल, कल योगी ने भी कहा 2 महीने बाद बंगाल बदल जाएगा, आपका दूल्हा कौन है, दूल्हे का चेहरा कौन है, ये जरा आप बता सकते हैं? क्या वो वहीं का धरती पुत्र होगा? ये माननीय अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि जीतने के बाद बंगाल का मुख्यमंत्री वहां बंगाल का धरती पुत्र होगा, ये सार्वजनिक ऐलान उन्होंने कर दिया है। और ये भी बात एकदम सही है कि भाजपा कभी भी प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के चुनाव में एक चेहरा को सामने रख के नहीं चुनाव लड़ता है, ये तो नया नहीं है। ये बार बार इनके संग प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बुआ और भतीजा के बीच में, जिसको हम बंगला में बोलते हैं पीसी और भाईपो।
अब इसके आगे तो इनके पास कोई है नहीं जी, तो जब हमारे मानुष तृणमूल आ रहे हैं तृणमूल जी हाँ, हमारे साथ सुपर्णो मोहित्रा जी हैं। सुपर्णो जी, ममता बनर्जी ने एक बार कहा था, मुझे याद है, उन्होंने कहा था मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी, ये संकेत साफ हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर नंदीग्राम से मैंने 50,000 वोटों से अगर ममता बनर्जी को नहीं हराया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ममता दीदी ने दो जगह से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, भवानीपुर और नंदीग्राम। आखिर ममता दीदी क्या डरी हुई है? जो बातचीत कर रहा था वो मैं सुन रहा था और कुछ मेरे बड़े भाई शिशिर दादे कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसे शब्द का जवाब देना जरूरी महसूस नहीं करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक दूसरा चीज, अगर ये जो लड़ाई हो रहा है, पहला मनीष भाई, ये जो लड़ाई जो हो रहा है ये लड़ाई किसी व्यक्ति का लड़ाई नहीं, एक लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई ये है कि भाईचारा का माहौल रहेगा कि ये भारतवर्ष का जो बहुलतावाद है उस चरित्र को बिल्कुल नष्ट किया जाएगा या उसको उसको जैसा था पहले वैसा बनाया जाएगा। एक जो प्रमुखतावाद है उसका उसमें विश्वास होगी और उसका वकालत और वही होगा कि सब मिलके विविधता में जो एकता वाली जो संस्कृति हमारा है लड़ाई उसका है। तीन है, जहां अगर आप कहते हैं कि जीती डर गई है, मान लीजिए आपका जो सवाल है, अगर वो डर जाती तो क्या वो कहती कि मैं आपके वहां आके वो चीज लड़ना चाहता हूं? वो तो वैसे नहीं कहती। और जैसे मेरे दोस्त मेरे भाई मित्र प्रकाश जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों की बात नहीं करना चाहता है क्योंकि मुद्दा उनके पास कुछ है नहीं, और झूठे वायदे करना उनका जैसा है कि एक चरित्र का एक हिस्सा बन चुका है। जब 2014 में आए थे उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, थोड़ा परिवर्तन हो 2019 में लाके बोले सबके साथ सबका विकास और विश्वास। अब देखिए वो युवा के लिए बोले थे हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, अभी 6.5 साल हो गया तो 14 करोड़ बन जाना चाहिए। हमें सबको पता है कि कितना इस देश में हुआ, क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो पिछले 45 साल जो हुआ है उसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा अभी आके पहुंचा है। अभी आप जो अब नए निवेश के बारे में बात करेंगे तो, जी बीजेपी कहती है टोलाबाजी कट मनी कल्चर ये पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पनपा और फला फूला है। बीजेपी देखिए आज देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कि सारे लोग स्वतंत्र हैं और कुछ भी बात कह सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो दिखा देगा कौन क्या कर रहा है। बात यह है कि जो बीजेपी का जो विश्वास है, और शिशिर भाई भी इससे उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, हमारे जो बीजेपी का जो फोकस जो रहा है वो दो चीज में रहा है। और सुपर्णो जी मेरे लिए वक्त हो चला है सुर्खियों का, सुर्खियों के बाद आएंगे और तमाम सवालों के साथ साथ चाचा भतीजे में मुस्लिम वोट को लेकर कैसे ठनी इस पर होगी बहस। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अब्बास सिद्दीकी और उनके चाचा तोहा सिद्दीकी के बीच कैसे ठनी। जी हां, संघ बंगाल चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, 5 मार्च को तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, हर सीट के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता सब्यसाची कोलकाता से ताजा जानकारी के साथ। सब्यसाची, सब्यसाची आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे, टीएमसी सूची जारी करेगी, इस वक्त की बड़ी खबर, क्या जानकारी है आपके पास? टीएमसी 5 मार्च को यानी शुक्रवार को फुल कैंडिडेट लिस्ट निकालेगी और टीएमसी सूत्रों से पता चला है कि इस बार फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा और फीमेल कैंडिडेट इस बार सबसे ज्यादा होंगे, फ्रेश फेसेस को इस बार मौका दिया जाएगा
और 75 एज के ऊपर जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनको इस बार उम्मीदवारी से दूर रखा जाएगा और फ्रेश फेसेस के ऊपर फोकस किया जाएगा जो कि एक्टिव रहें और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके काम कर सके, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा फ्रेश फेसेस पे। जी हाँ, नए चेहरों पर ज्यादा फोकस होगा, युवा चेहरे टीएमसी की लिस्ट में ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, साब्यसाची की यह जानकारी। जी हाँ साब्यसाची, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आइए हम चलते हैं देश के सवाल की ओर, जहां पर हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिशिर बिजोरिया, टीएमसी के प्रवक्ता, जी हाँ नेता प्रवक्ता सुपर्णो मोइत्रा साहब, हमारे साथ लेफ्ट के नेता मित्र प्रकाश, हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता, और कृपा शंकर चौबे साहब राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। जी हाँ सुपर्णो जी, आपकी सूची आने वाली है और जैसे कि हमारे संवाददाता अभी बता रहे थे, सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो युवा और ताजा तरीन चेहरों को दी जाएगी। देखिए जो हमारी नेत्री है ममता बनर्जी जी, हमेशा वो चाहते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला के बारे में बात करते हैं, और अगर लोकसभा देखा जाए, राज्यसभा देखा जाए, हमारा जो नेशनल लेवल से भी ज्यादा लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी है, पंचायत स्तर में भी है, यहाँ पे भी दिखाई देगा। और वो चाहते हैं क्योंकि अगर एक आंकड़े के तौर पे दूं तो हिंदुस्तान का जो डेमोग्राफिक या जो मीन एज 2021 में करीब 28.5 होगा, तो ये बहुत जरूरी है कि ज्यादातर युवा को इसका मौका दिया जाए ताकि युवा और भी चीज को समझ पाए और आने वाले दिनों में वो एक अच्छा नागरिक बनके वो उभर पाए। जी हाँ सुपर्णो जी हमारे साथ मित्र प्रकाश हैं। मित्र प्रकाश, जैसा कि मैं सुर्खियों से जाने से पहले मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे, चाचा भतीजे के बीच ठन गई है, भतीजा आपके खेमे में है जिसको आपने 37 सीटें दी हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं अब्बास सिद्दीकी का। जी हाँ उनके चाचा हैं तोहा सिद्दीकी, उन्होंने कहा है अभी तो ये बच्चा है, कुछ ही महीनों पहले पार्टी बनाई है, ये क्या सियासत करेगा। तो आप जिन वोटों पर डोरे डालना चाहते हैं 30% एम फैक्टर यानी मुसलमान फैक्टर, उसी में दो भाड़ हो चुकी है। मनीष जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि पहले वो आपको उकसाएंगे, फिर आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपका विरोध करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। तो किसी के बच्चा कहने से या किसी के बड़ा कहने से कोई असर नहीं पड़ता है। चाचा कह रहा है, फिर से बात किया था कि जल जंगल जमीन रोजगार गैस चूल्हे और बढ़े हुए पेट्रोल। चाचा कह रहा है भतीजे के बारे में, कोई भी मेरे भी चाचा, और ठीक है किसी के बारे में चाचा भतीजे का झगड़ा तो उत्तर प्रदेश में भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को कुछ भी कहे, लोकतांत्रिक है और इसमें हक है सर कि कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, क्या दिक्कत है उससे। चाचा जी कह रहे हैं उनका सम्मान वो करें, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात, अभी जब डिबेट हो रहा था, काफी समय से मैं आपको सुन रहा था, आपके एक राजनीतिक विश्लेषक है, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनी हुई है या वो उनसे प्रभावित हों, उनके वोटर हों, कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी के पास बहुत बड़ा वो धड़ा है या बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो मैं उनको बता दूं सर, अगर इतना बड़ा ग्राफ बीजेपी के पास बंगाल में रहता तो 6 मुख्यमंत्री, कई सारे उप मुख्यमंत्री, 23 केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीबीआई, ईडी, पूरी मशीनरी, पूरा पैसा, पूरा टेक्निकल टीम, पूरी जातीय हिंसा, पूरी धार्मिक हिंसा बंगाल में लगा के रख दी है। और फिर भी बंगाल में आप ही के सर्वे में और तमाम सर्वे में रिपोर्टें आ रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर सर्वे बता रहे हैं कि 100 से कम सीटें आ रही हैं, तो कितने शर्म की बात है उनके लिए, ये सोचिए जरा, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के। मित्र प्रकाश जी, मेरे साथ दो मेहमान हैं और हम अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हैं। जी हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल जी, जब आप अपना जवाब दे रहे थे तो वो उंगली उठा रहे थे। जायसवाल साहब, जैसा कि सवाल मैंने मित्र प्रकाश से किया था कि चाचा भतीजे में ठन गई है, जी हाँ चूंकि कोलकाता की बात है, प्रिंस से आज हमने बहस शुरू की, तो ईडन गार्डन मैदान, जहां तक सियासत की पिच की बात करें तो आदमी सबसे ज्यादा अपने करीब के आदमी से जो कि स्टंप करता है वही बोल्ड करता है, तो चाचा भतीजे पर सवाल उठा रहा है। अब आप समझ लीजिए आपके गठबंधन के साथ ही है।
देखिए, गठबंधन का जहां तक सवाल है और चाचा भतीजा का सवाल है, उससे जुड़ा सब भी संपर्क नहीं है। चाचा भतीजा में आपस में क्या हो रहा है वो लोग का फैमिली मैटर है। लेकिन बाजोरिया साहब एक बात बोल करके गए हैं कि नास्तिक पार्टी से कांग्रेस ने समझौता किया है। मैं बाजोरिया साहब से पूछना चाहता हूं कि वो अपने दिल पर हाथ रख करके बोले कि उनका राजनीतिक जीवन किस नास्तिक पार्टी से शुरुआत हुआ था। बाजोरिया साहब आप बताइए, आज नेशनल चैनल के ऊपर दिल पे हाथ रख के बोलिए। शिशिर जी ओम प्रकाश जैसा चाहते हैं आप दिल पे हाथ रख के बोले, दिल पे हाथ रख के बोले, आप अपना जवाब दे तो मैं 24 घंटे के पास जाऊं, मुझे बहस खत्म करनी होगी। दूसरी बात मैं जयसवाल जी को साफ साफ उत्तर दे दूं। जयसवाल जी सुन लीजिए, आपने प्रश्न दिए मेरा जवाब लीजिए। पहले जयसवाल जी पहले मेरा जवाब लीजिए। जयसवाल जी मेरा जवाब दीजिए। जवाब दीजिए मेरा जवाब लीजिए। जयसवाल जी आप लोगों ने दब दिया। संचालक जी ये हमसे जवाब मांग रहे हैं और ये जवाब मेरा नहीं सुनना चाहते हैं। मेरा आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आप जयसवाल साहब। ओम प्रकाश जी जवाब ले लीजिए। आपने कहा दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। शिशिर जी अपनी बात रखिए। मैं सीपीएम से आया हूँ इसीलिए दावे से बोल रहा हूँ। हमारे जो वाम फ्रंट के यहाँ पर मित्र बैठे हैं बोल दे मार्क्सिज्म। एक मिनट, आपका बात नहीं है। एक मिनट, मार्क्सिज्म क्या नास्तिकता में विश्वास नहीं करता है? मैं 15 साल आए से सीपीएम करके आया हूँ। जयसवाल जी मैं डंके के जोर पे बोलता हूँ मैं, मगर क्या हमारे बाम फ्रंट के मित्र बोल सकते हैं कि मार्क्सिज्म नास्तिकता में नहीं विश्वास करता है? नास्तिक और आस्तिक में इनका कोई विश्वास ही नहीं है। और आप बनके बैठे हैं धर्म निरपेक्ष और किसका दामन पकड़े? वो एक धार्मिक पार्टी क्या नहीं है जो कि एक मस्जिद से आ रहा है? वो धार्मिक पार्टी नहीं है? क्या बात करते हैं। और जहां तक कोलाबाजी और कटमनी का है तृणमूल के भाई, ये जो शब्द है मुख्यमंत्री महोदय खुद बोली है कि यदि कटमनी लोगे तो वापिस करो, तोलाबाजी मत करो, पार्टी में नहीं रहो। ये खुद मुख्यमंत्री महोदय मानी है। जयसवाल जी यहाँ पर शिशिर बिजोरिया, ओम प्रकाश, जयसवाल जी मैं बहस के आखिरी पड़ाव में हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कृपा शंकर चौबे जी हैं। चौबे जी, इस समय जो हालात है बंगाल में, रोज तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, कभी नानुकूर, कभी गुस्सा, आपस में कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो जाती है। ऐसे में महागठबंधन में जिस तरीके से चाचा भतीजे आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, तोहा सिद्दीकी जो चाचा है अब्बास सिद्दीकी के, वो तृणमूल के समर्थक हैं और भतीजा इस समय कांग्रेस और लेफ्ट का दामन थाम चुका है, तो आपको क्या लगता है जो 30% मुस्लिम वोट हैं वो किसके पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? वे तो बटेंगे, वे किसी के साथ नहीं रहेंगे। वहां के जो अल्पसंख्यक मतदाता रहे हैं, पिछले चुनाव में लगभग 28% थे, उसके पहले 27% थे, लेकिन इस चुनाव में उनका विभाजन होगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि अब्बास सिद्दीकी का कोई जनाधार या उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा लाभ बंगाल के चुनाव में, इस चुनाव में सबसे जो निर्णायक मतदाता होंगे वे दलित मतदाता होंगे और आदिवासी। जी, कृपा शंकर चौबे जी, सुपर्णो मोइत्रा साहब, शिशिर बिजोरिया, ओम प्रकाश जायसवाल और मित्र प्रकाश जी, आप लोग जुड़े देश का सवाल में, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन याद आती है। जी हाँ, रविन्द्रनाथ जी ने कहा था, जी हाँ, पंखुड़ियां तोड़ने से फूलों की खूबसूरती इकट्ठा नहीं की जा सकती। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।